यूक्रेन संकट। उड्डयन मंत्रालय का कहना है कि सोमवार को 1500 से अधिक भारतीयों को वापस लाने के लिए 8 उड़ानें होंगी। रूसी सैन्य हमले के कारण यूक्रेन का हवाई क्षेत्र 24 फरवरी से बंद है। यूक्रेन से भाग रहे भारतीय नागरिकों को उसके पड़ोसियों जैसे रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया और पोलैंड से एयरलिफ्ट किया जा रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने रविवार को कहा कि 1500 से अधिक भारतीयों के साथ 8 उड़ानें युद्धग्रस्त यूक्रेन के पड़ोसी देशों से सोमवार को भारत के लिए संचालित होंगी। रूसी सैन्य हमले के कारण यूक्रेन का हवाई क्षेत्र 24 फरवरी से बंद है। यूक्रेन से भाग रहे भारतीय नागरिकों को उसके पड़ोसियों जैसे रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया और पोलैंड से एयरलिफ्ट किया जा रहा है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन गंगा के तहत 2135 भारतीयों को आज रविवार 11 विशेष नागरिक उड़ानों से वापस लाया गया है। कल बुडापेस्ट 5, सुसेवा 2 और बुखारेस्ट 1 से 8 विशेष उड़ानों के संचालित होने की उम्मीद है, जिससे 1500 से अधिक भारतीयों को घर वापस लाया जा सकेगा। अब चलते हैं दूसरी खबर। अधिकारियों ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल BSF के एक जवान ने रविवार को यहां अपने शिविर पर कथित रूप से अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें उसके 4 साथियों की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अटारी वाघा क्रॉसिंग से करीब 12-13 किलोमीटर दूर जिले के खासा इलाके में 144वीं बटालियन के कैंप में सुबह से 9 से 10:15 के बीच भाईचारे की घटना हुई। एक अधिकारी ने कहा, आरोपी कांस्टेबल सत्यप्पा एसके 35 कर्नाटक का रहने वाला था। अधिकारियों ने कहा कि वह जाहिर तौर पर अपनी ड्यूटी के घंटों को लेकर परेशान था और यहां तक कैंपस में पार्क किए गए सेकंड इन कमांड रैंक के अधिकारी के वाहन पर गोलियां भी चलाई। यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि उसने खुद को गोली मारी या दूसरों ने उस पर गोली चलाई। पत्रकारों से बात करते हुए आसिफ जलाल, जिन्होंने पिछले हफ्ते पंजाब के लिए BSF महानिरीक्षक के रूप में पदभार संभाला था, ने इस बात से इनकार किया कि कोई दुश्मनी या कर्तव्य से संबंधित मुद्दा था। अब आते हैं आज की आखिरी खबर पे। उत्तर कोरिया ने शनिवार को अपने पड़ोसियों की सेना के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता में लंबे समय तक रुके रहने के बीच इस साल हथियारों के परीक्षण की अपनी लकीर को बढ़ाते हुए एक संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल को समुद्र में दागा। दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने कहा कि उसने उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग के पास एक क्षेत्र से देश के पूर्वी जल की ओर एक अनुमानित बैलिस्टिक मिसाइल के एकल प्रक्षेपण का पता लगाया, लेकिन उसने तुरंत यह नहीं बताया कि हथियार कितनी दूर उड़ गया। जापान के रक्षा मंत्रालय ने भी संभवतः बैलिस्टिक के रूप में हथियार का आकलन किया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सुनमून प्रक्षेपण पर चर्चा के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपात बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिकी सरकार या सेना द्वारा प्रक्षेपण के बारे में तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई। यह 2022 में उत्तर कोरिया के हथियारों का नौवां दौर था, क्योंकि यह रियायतों के लिए ब्रिटेन प्रशासन पर दबाव बनाने का प्रयास करते हुए अपनी सेना